अगर आप भी कैलिस्थेनिक के बिगनर हैं और अभी आप कैलिस्थेनिक स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये 5 स्किल्स आपको बहुत जल्दी अचीव कर लेना चाहिए, क्योंकि यही स्किल आपको एडवांस मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। जितने भी स्किल मैं बताने वाला हूँ, आप ये घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपके पास बार्स नहीं है या कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप फ्लोर से ही ये अचीव कर सकते हैं। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट से पहला स्किल है आपका क्रो पोज। तो मैं दिखाता हूँ आपको क्रो पोज कैसे होता है। आपको इस पोजिशन में बैठ जाना है, ठीक है, हाथ यहाँ पे रखना है, एल्बो बेंड थोड़ा सा, ठीक है, एंड अपने ये इनर थाई को, नीज को यहाँ पे प्लेस करना है ट्राइसेप्स के ऊपर, एंड देन थोड़ा फॉरवर्ड फॉल एंड टोस पॉइंट होल्ड। ओके, तो आपने देखा, इसको बोलते हैं हम क्रो पोज, जो कि बॉय एंड गर्ल दोनों करते हैं कैलिस्थेनिक्स में। और इससे आपका क्या होगा कि शोल्डर स्ट्रेंथ, आर्म स्ट्रेंथ बहुत ही अच्छे से डेवलप होगा, कोर स्ट्रेंथ बहुत अच्छे से डेवलप होगा। और उसके लिए पहले शोल्डर स्ट्रेंथ थोड़ा होना भी चाहिए, उसके लिए बहुत सारे एक्सरसाइजेस होते हैं, इसके बेसिक्स होते हैं, बेसिक ड्रिल होते हैं, तब जाके आप ये अचीव कर पाओगे। तो अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए आपको, तो आप नीचे कमेंट कर दो, हम इसका ट्यूटोरियल भी बना देंगे, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि इससे आप आगे कैसे जा सकते हैं और क्या क्या स्किल्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे जिमनास्टिक स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे ही क्रो पोज ऐसे हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, क्रो पोज यहीं से अपन हेड स्टैंड करते हैं, ठीक है, पुश हेड स्टैंड होल्ड, फिर उसके बाद वापस क्रो पोज होल्ड। तो इससे क्या होता है, आपके बॉडी में बहुत ही अच्छा कंट्रोल आता है, बॉडी बहुत सारे मूवमेंट्स करता है, तो आपके बॉडी में स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डेवलप होता है और आप हायर स्किल में भी जल्दी मूव कर पाएंगे, ठीक है। अब एक और स्किल बताता हूँ, इससे अगर आप क्रो पोज अचीव कर लोगे, तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, क्रो पोज फिर यहीं से हैंड स्टैंड, ठीक है, शोल्डर ये सपोर्ट, ठीक है। तो गाइस, इसलिए क्रो पोज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हर एक एथलीट के लिए जो कैलिस्थेनिक्स कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्रो पोज सबसे पहले अचीव करें। अब हम बात करते हैं सेकंड स्किल। तो जो सेकंड स्किल है, ये है आपका एल्बो लीवर। तो मैं आपको दिखाता हूँ पहले एल्बो लीवर कैसे होता है, ठीक है। आपको इस पोजीशन में आ जाना है, ठीक है, हाथ थोड़ा पास रखना है ताकि आप एल्बो को अपने वेस्ट में टच कर पाए, ठीक है, ओके, एल्बो टच एंड देन ये, तो आप देख सकते हैं, इसको बोलते हैं एल्बो लीवर। तो इसमें क्या होता है, आपका कोर बिल्कुल कनेक्टेड होता है, आपको ये फील होगा कि आपका बॉडी एक लाइन में आ गया, ठीक है, और यही लाइन को हमें फ्रंट लीवर बैक लीवर में अप्लाई करना है। तो इससे आपका कोर स्ट्रेंथ, एक बॉडी अलाइनमेंट डेवलप होता है ये स्किल अचीव करने से, और इसी को हम फिर हायर स्किल में मूव करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अभी एक हायर स्किल में दिखाता हूँ आपको। अगर आप एल्बो लीवर अच्छा कर पाते हैं, तो आपका क्या होगा, एक बैक लीवर जो बोलते हैं, देख सकते हो आप, इसमें भी सेम पोजीशन आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है। तो ये बैक लीवर भी आप जल्दी अचीव कर लोगे अगर आपका कोर अच्छे से कनेक्ट हो रहा है। अब फ्रंट लीवर भी सेम ऐसे ही होता है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो उसको फ्रंट लीवर बोलते हैं, फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लैंच, सब चीज में आपको बहुत ही हेल्प होता है। तो आप ये एल्बो लीवर का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें और जल्दी अचीव करें। और अब हम चलते हैं थर्ड स्किल में। अब थर्ड स्किल में है आपका एल सिट। तो ये बहुत देखा जाए तो बिगनर के लिए डिफिकल्ट भी है, लेकिन करते करते बहुत जल्दी अचीव आप कर लोगे, और एल सिट के बाद ही आप बहुत सारे स्किल्स जल्दी जल्दी अनलॉक करोगे, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एल सिट, आपको ऐसे बैठ जाना है, नीज टोस एकदम स्ट्रेट होना चाहिए आपका, बॉडी एकदम लाइन पे, ठीक है, फिर आपको हिप उठाना है, देन लेग एंड होल्ड। ठीक है, तो ये कम से कम आपको 10 सेकंड तो होना ही चाहिए, ठीक है, तब जाके आपका, आपको खुद ही फील होगा कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ आना चालू हो गया। ऐसा नहीं कि आप 2-3 सेकंड किए और आपको लग रहा है कि एल सिट मेरा होना चालू हो गया, नहीं, मिनिमम 10 सेकंड तो होना चाहिए, मिनिमम है, ठीक है। तो ये चीज़ हम जिमनास्टिक स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कराते हैं, एल सिट, आप वीडियोस देख रहे होंगे साइड में चल रहे हैं। एल सिट के बाद आप ऐसे वी सिट माना भी कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही आपका एल सिट अचीव हो जाता है, तो मैं आपको दिखाता हूँ और क्या क्या स्किल आप कर सकते हैं जल्दी।
तो एक जो एडवांस स्किल है, इसके बाद देख सकते हैं एल सेट, ये फिर इसके बाद शोल्डर प्रेस, ठीक है, ये इसे एल, फिर उसके बाद आप स्ट्रेट आर्म प्रेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्किल बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके कोर स्ट्रेंथ के लिए, बस आप जल्दी से जल्दी इसको अचीव करो एल सिट को, और फिर एडवांस स्किल का मजा लो, ठीक है। तो अब चलते हैं हम फोर्थ स्किल में। तो आपका जो फोर्थ स्किल है इसमें है टक प्लैंच, ठीक है। आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज्यादा टफ होता है, लेकिन इसको थोड़ा बिगनर जैसा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको क्या करना है, इस पोजिशन में बैठना है, हाथ यहाँ पे रहेगा आपका, देखो साइड वर्ड आप कर सकते हो इस एंगल में, ठीक है। अब हल्का हल्का आपको क्या करना है, पैर को उठाने की कोशिश करना है बस यहीं पे, ठीक है, ऐसे। और आपका एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए एकदम ज्यादा। तो ये चीज आपको आगे चल के बहुत फायदा देने वाला है, क्योंकि लोग टक प्लैंच, जैसे कि मैं प्लैंक्स की प्रैक्टिस कभी किया ही नहीं था, ठीक है, स्टैंड बहुत किया हूँ, हैंड स्टैंड पुशअप्स किया हूँ, बहुत सारी चीज किए, लेकिन टक प्लैंक्स जो है, प्लैंक्स की एक्सरसाइज बिल्कुल डिफरेंट होती है। आप चाहे हैंड स्टैंड पुशअप में मास्टर कर लो या बहुत सारे स्किल में आप मास्टरी कर लो, लेकिन आपको टक प्लैंक्स की प्रैक्टिस जब तक आप स्टार्ट नहीं करोगे तब तक आप फुल प्लैंक्स अचीव नहीं कर पाओगे। यही चीज मुझसे भी गलती हुई थी, तो मैंने प्लैंक्स की अभी ट्रेनिंग स्टार्ट की हुई है, क्योंकि पहले हम जिमनास्टिक्स में बहुत सारे स्किल्स करते, लेकिन प्लैंक्स की एक्सरसाइजेस मैं उतना नहीं करता, ठीक है। तो मैंने बहुत लेट कर दिया स्टार्ट करते हो, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट कर दिया तो मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। तो आपको मैं बता रहा हूँ अभी, आप वो गलती मत करो, आप बिगनर हो, आप अभी से ही टक प्लैंक्स की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, ठीक है। अगेन एक बार देखते हैं फिर से, एल्बो स्ट्रेट, एंड ये पोजिशन में आपको इसी कम से कम 15-20 सेकंड आपको होल्ड होना चाहिए, ठीक है, ये चीज। तो इससे आप क्या करोगे, जल्दी प्लैंक्स में मूव कर पाओगे, जो कि हम अभी अच्छे से प्रोग्रेस कर रहे हैं। मैं आपको वीडियो शो करता हूँ, हम स्ट्रेडल प्लैंक्स तक पहुँच चुके हैं, ठीक है। तो ये जल्दी से जल्दी गर्ल्स एंड बॉयज दोनों को अचीव करना है। अब हम चलते हैं डायरेक्ट फिफ्थ स्किल्स में। तो अब जो फिफ्थ स्किल है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बिगनर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो स्किल अभी हम करने वाले वो बिगनर तो चलो ठीक है, लेकिन एडवांस वाले एथलीट भी बहुत ज़्यादा अच्छे से ये होल्ड नहीं कर पाते, उनका अलाइनमेंट अच्छे से नहीं आ पाता, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टर्म गेम है, जो कि है हैंड स्टैंड। आप जानते होंगे बहुत सारे लोग हैं एथलीट्स जो कि फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लैंक्स ये भी कर लेते हैं, लेकिन उनका हैंड स्टैंड अच्छे से नहीं हो पाता, ठीक है, एक जगह पे वो प्रॉपर होल्ड नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, जो कि आपको इसलिए बहुत जल्दी स्टार्ट करना है, क्योंकि ये कम से कम 6 महीने 7 महीने 1 साल 2 साल भी लग जाता है लोगों को अचीव करने में, ठीक है। तो मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले हैंड स्टैंड, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है। तो हैंड स्टैंड देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे बॉडी में कितना अच्छा लाइनिंग था जब मैंने हैंड स्टैंड किया, और यही लाइन आपको भी अचीव करना है, और इसके लिए टाइम लगता है। तो आपको एकदम ही बिगनर से ही, बिगनिंग से ही आपको बहुत जल्दी हैंड स्टैंड का प्रोग्रेशन स्टार्ट करना पड़ेगा, तब जाके आप 1 साल में 2 साल में एक प्रॉपर लाइन और जैसे मैंने होल्ड किया वैसे आप अचीव कर पाएंगे। और फिर आप जैसे आप देखे पहले बार में हमने दिखाया था प्रेस टू हैंड स्टैंड, एल टू हैंड स्टैंड, ये सब चीज़ अचीव कर पाएंगे। और हैंड स्टैंड एक बार आ जाता है तो आप हैंड स्टैंड पुशअप्स हो गए, 90 डिग्री हैंड स्टैंड पुशअप्स, ये सारी चीज़ बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। और हैंड स्टैंड जो है ये हर स्किल्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, फिर बार पे भी आप हैंड स्टैंड कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हैंड स्टैंड की प्रैक्टिस जल्दी से जल्दी आप स्टार्ट करो। तो ये 5 स्किल्स जो हमने बताए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप जल्दी से जल्दी अचीव कर लो, क्योंकि हम जिमनास्टिक स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ अचीव करा रहे हैं, उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पे उनको मूव करते हैं, ठीक है। तो अब आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, या इस स्किल से ट्यूटोरियल आपको चाहिए कोई भी, तो आप नीचे कमेंट करो और वीडियो को लाइक कर दो, ताकि आपको ऐसे वीडियोस हम और प्रोवाइड करते रहे, ठीक है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। तो अब डायरेक्टली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्टे फोकस्ड।